बर्डिंग का पैशन तो मुझे अभी थोड़े से पहले 5-6 साल पहले शुरू हुआ। घर में हमारे माशाल्लाह बर्ड्स आती रहती थी, तो फोटोग्राफी भी मैं करता था थोड़ा बहुत। उस वक्त दूसरा कैमरा था तो ऐसे ही लेता रहता था थोड़ा सा, तो उससे मुझे बर्डिंग का शौक हुआ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बड़ी नायाब और रेयर बर्ड्स आती थी हमारे घर में। जिस बर्ड से सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट शुरू हुआ बर्डिंग में, वो बेसिकली किंगफिशर था। और मुझे हमारे माली ने और हमारे चौकीदार ने बताया कि यहाँ पे एक नीले रंग की बर्ड आती है। मैंने कहा ऐसी मजाक में डाल दिया। थोड़े से मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि एक किंगफिशर पीछे बैठा हुआ था और वो काफ़ी देर बैठा रहा, तो उसकी मैंने तस्वीरें ली। तो वो सबसे पहली बर्ड थी जो मुझे याद है जिससे मुझे इंटरेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि मैंने आज तक वो देखी ही नहीं थी कहीं की। बर्ड्स, इंटरेस्टिंग बर्ड्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, हर बंदे के लिए अपनी इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्ट ज़्यादा जो है वो रैप्टर्स में है। तो उसके लिए जो एक होली ग्रेल या समझें कि जो बहुत रेयरिटी है जो नहीं नज़र आती है, वो क्रेस्टेड हॉक ईगल है, जो कि यहाँ से डॉक्यूमेंटेड तो है एक सदी पहले से, लेकिन बहुत अच्छे से किसी ने कोई साइटिंग उसकी नहीं। तो वो बर्ड है जो तो मुझे शौक है कि उसको मैं देखूं भी, उसकी तस्वीर भी। इंस्पायरेशन बिल्कुल है मेरी, मुझे शुरू जब मैंने किया तो हमारे एक दोस्त हैं सारान, उनसे मैंने टिप्स वगैरह लिए और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट उन्होंने मुझे सिखाया कि नेस्टेड बर्ड्स की फोटोग्राफी कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते, कैसे उसको अप्रोच करते हैं, कब करते हैं। तो वो फर्स्ट उनका मेरे था, फिर उनके साथ हमने बहुत सारे आउटिंग्स भी की और कोई दोस्ती भी होगी उनसे, तो वो हैं। और बाकी जो फोटोग्राफर्स पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, फॉरन देखते रहते हैं, तो वो मेरी इंस्पिरेशन। जो बर्ड स्पेशल है और मुझे एक जगह की याद दिलाती है, वो तो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। उसकी वजह ये है कि ये हर साल हमारे घर के पीछे थोड़ा सा एक थिकेट सा है, वहाँ पे आती हैं और 3-4 पेयर्स की तरह 5 पेयर्स आके नेस्ट करते हैं, फिर वो अंडे देख के बच्चे होते हैं, बच्चे हमारे सामने बड़े होते हैं और फिर वो चले जाते हैं 5-6 महीने के लिए, वो रहते हैं समर्स में। तो ये बर्ड जो है मुझे मेरे लिए बहुत ही, हर साल मैं इनका वेट करता हूँ, बच्चे भी वेट करते हैं कि कब आएगा और कब आता है। और जब पहली दफ़ा आती है तो मुझे इसकी आवाज़ से मैं आवाज़ आती है, तो अभी भी कहीं फिर भी होगी तो अभी भी इसकी सॉन्ग की आवाज़ आएगी, आज के लिए इतनी है। अदर देन बर्डिंग, वाइल्ड लाइफ में मुझे जो इंटरेस्ट है मैमल्स का, जैसे हिमालयन बेयर्स हैं जो साई में होते हैं, उसके अलावा वुल्व्स देखने का शौक है। हम गए थे कश्मीर में, वहाँ पे पेयर जो है वहाँ पे हमने उसके पेयर पॉज देखे और आसपास ही हुई होगा, तो बहुत वहाँ पे लोकल से सुना बेयर्स के बारे में। तो वो मुझे वाइल्ड लाइफ सारा ही शौक है बेसिकली, तस्वीर लेने का, देखने का, उसको ऑब्जर्व करने का। कोविड जो सिनेरियो है उससे बर्डिंग डायरेक्टली इफेक्ट तो इस तरह हुई, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है और मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा बिजी, हॉस्पिटल्स में और बिजी हो गया। उसके अलावा फिर आउटिंग भी जारी बात है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स बहुत लिमिटेड होगी, अकेले आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज क्लोज ऑफ हो गए, मागला के ट्रेल्स क्लोज कर दिए गए थे, अब खुल रहे हैं ऐसा ऐसा, लेकिन ये कि उसकी वजह से भी लिमिटेड। तो कोविड जब हुआ तो मैं पहले भी ज़्यादातर आपको तक घर पर ही करता था, तो अब भी यही करता हूँ, लेकिन कोविड की वजह से ये लिमिटेशन होगी कि अब हम ज़्यादा बाहर उस टाइम जा सकते हैं। होपफुली इन सम टाइम दोबारा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अच्छा देखें, वो ट्री कटिंग का जो है या इन्वायरमेंट जो है बर्ड्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मागला में आग लगती है तो थाउजेंड्स इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स आर डिस्टर्ब एंड अफेक्टेड एंड किल्ड समटाइम्स। तो
एक ट्री को काटने से अब हम आसपास देखेंगे, टू ट्री में देखें तो उसमें पांच पांच छह छह नेस्ट होते हैं। तो ट्री कटिंग जब भी होती है तो हैबिटेट लॉस होता है, अगर मैसिव स्केल पे हो तो एक्सटिंक्शंस होती हैं, लोकल एरिया में एक्सटिंक्शंस होती हैं, चंद चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। फिर आपने ट्री कटिंग एक बड़ी चीज़ है, आप जब भी कहीं जाते हैं तो आप बच्चे भी जाएं कहीं तो हर जगह तोड़ फोड़ करना, शाखें तोड़ना, उससे फिर डंडे मारना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वाइल्ड में जब भी आप किसी दफ को छेड़ते हैं तो उसके ऊपर कई दफ़ा खासतौर पर ब्रीडिंग सीजन में ऊपर नेस्ट होते हैं, बर्ड्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, वो छोड़ के चली जाती हैं, अंडे गिर जाते हैं, तो बर्ड्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे बिला वजह शाखें तोड़ना वो भी इसी में शामिल है। तो हैबिटेट को कभी भी कोई चीज़ आप छोड़ के ना आएँ, गन ना छोड़ के आएँ, जो लेके जाएँ वापस साथ लेके आएँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बर्ड्स बहुत ज़्यादा और एनिमल्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं इन चीज़ों से। जीप्स का इंटरेस्ट बर्डिंग से रिलेटेड ये है कि अब जीपिंग को इंटरेस्ट तो मैं बहुत पुराना था, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब हम वहाँ वहाँ जा सकते हैं ऑफ रोड करके, और अब शुक्र है कितनी एक्सपीरियंस हो गया है कि जहाँ पे आप आमतौर पर नहीं जाते मुझे फिक्र नहीं होती, मैं कई दफ़ा अकेला भी निकल जाऊँगा तो मुझे पता है कि गाड़ी फंस भी जाएगी तो कैसे निकालनी है, कहाँ पे जा सकती कहाँ नहीं जा सकती। तो हम काफ़ी अंदर डीप जंगल्स में और विल्डरनेस में चले जाते हैं जहाँ लोग ना हो, और ये बर्ड्स और एनिमल्स वहीं पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर लोग कम से कम हों। बर्डिंग के लिए फेवरेट जगह तो मागला हिल्स नेशनल पार्क है, वो इस वजह से है कि इट्स वेरी क्लोज टू अस, वी कैन गो देयर, और उसके अंदर इतने ट्रेल्स हैं, इतने ड्राइववेज हैं, इतनी ऑफ रोड ट्रैक्स हैं, आप हाइक करें उसमें इतनी डिस्कवरेबल चीज़ें हैं कि आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। सेकेंडली वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंट किस्म की वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है जो कि रेयर है, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मागला नेशनल पार्क इज एन अमेजिंग प्लेस फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। हाँ, अपकमिंग छोटे फोटोग्राफर्स के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली एडवाइस ये है कि आप अपने पैशन को रखें, मोबाइल से शुरू करें, फोटोग्राफी करें, नेचर को देखें। मैंने बर्ड फोटोग्राफी से पहले मैक्रो फोटोग्राफी करता था मैं, फूलों की, कीड़ों की, इस तरह दोस्त काफ़ी तंग होते थे देख देख के मेरे, लेकिन तो उससे मैं शौक हुआ। तो वो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करके पैशन को, लेकिन नेचर को देखें, आसपास देखें, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स अराउंड यू, और उसको देखें, इंजॉय करें, बजाय इसके कि हम बस अंदर ही बैठे रहें घरों में और मोबाइल्स पे और उस पर बैठे रहें। तो आउटिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा पैशन है जो कि All kids should follow. Thank you.